हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और जय माता दी। और आज है अष्टमी और मेरी तरफ से आप सभी को माता रानी की अष्टमी पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम कर रहे हैं यहाँ पे प्रसाद की तैयारी, छोले बना दिए, हलवा बना दिए और यहाँ पे अब तली जा रही हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ। देखो गाइस, गरम गरम पूड़ियाँ निकल रही हैं। यहाँ पे छोले मेरे तैयार हैं, हलवा भी इसमें तैयार है और ये बेल रहे हैं साथ साथ और मैं बना रही हूँ। फटाफट हो जाती है ना, ऐसे अकेले अकेले होती नहीं, वो टाइम लग जाता है। तो ये बेल रहे हैं फटाफट, मैं साथ साथ तल रही हूँ और बस फटाफट माता रानी के प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया 8:30। गाइज, मैं बहुत जल्दी प्रसाद बना लेती थी, इस बार पहली बार हुआ है कि मेरा प्रसाद लेट हो गया क्योंकि जैसे कि आपको पता है रात को हम लेट सोए और फिर गौरी का बर्थडे भी है आज शाम को, उसकी भी बहुत तैयारियां करनी है तो बहुत से काम थे। अब साथ साथ फटाफट पूड़ियां बना रहे हैं, बस उसके बाद कंच के बिठाएंगे और आप सबको फिर दिखा। तो गाइज, मैं हो चुकी हूँ रेडी और पूड़ियां मेरी तैयार बिल्कुल हो चुकी हैं, सारा प्रसाद तैयार है, बस नारियल छीलने वाला रह गया और फिर हम ढूंढेंगे कंच के। और गौरी भी, मम्मी घर गई हुई है कंच के बैठने के लिए और बस हाँ नारियल वो छील दो ना, तो माता रानी का नारियल छीलेंगे और फिर ढूंढेंगे कंच को। तो गाइस, कंच के हमारी आ चुकी हैं और ये कंचकों के पैर धो रहे हैं और यहाँ पे गौरी कर रही थी जिद और बाकी कंचके वगैरह अब प्रसाद डालती हूँ बस मैं। जा बैठ जा, जा खुला हुआ गेट, जा बैठ जा, चली जा जा। जयकारा शेरावली दा, बोल साचे दरबार की। तो गाइज, ये वाली डब्बियाँ थी जो मैं आपको कह रही थी कल, देखो कितनी प्यारी डब्बियाँ हैं ये, मतलब क्वालिटी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियर थी इनकी और मुझे बड़ी पसंद आई। साथ में ये ढक्कन जैसे, और ये बच्चे स्कूल भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जैसे लीक प्रूफ थी ये। मिल गई सबको, कौन कौन मिलवा रहा है ना, लड़कियों में से कौन कौन रहेगा। खा लेना प्रसाद, रख दो सबने। तो गए थे हम बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आए हैं, बड़े सुंदर सुंदर बांटने के लिए सबको दे रही हूँ, सबको पहले लड़कियों को दे रही हूँ। तो गाइस, कंचके मैंने बिठा ली हैं और अब हमारे घर की एक ये कंजक खा रही है प्रसाद। गाइस, बहुत तक होता भूख लगी थी, बहुत स्वाद में ना प्रसाद, स्वाद है गाइस, इनको बहुत टेस्टी लगा है प्रसाद। हलवा कहते बड़ा टेस्टी बना है, हालांकि देखो चख तो सकते नहीं और माता रानी को भोग लग जाए उसके बाद प्रसाद टेस्टी टेस्टी होता है। बाकी कंच की हमने बिठा ली हैं और अब पूड़ियां तल रही हूँ इनके लिए और गई हुई है कंच के बैठने के लिए और मैं भी प्रसाद खा रही हूँ। देखो कितने सारे गिफ्ट इकट्ठे करके लेके आई है और अभी भी गई हुई है, मतलब हमारे टाइम में हमें कितना शौक होता था कंच के बैठने का, रात को नींद नहीं आती थी कि सुबह उठ के कंच के बैठना है और आज देखो आज हम खुद बिठा रहे हैं, है ना, और आज हमारे बच्चे बैठ रहे हैं। और बाकी इसी के साथ मैं आज का हमारा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ क्योंकि जो गाइस अगला व्लॉग है, अब मैं प्रसाद खाती हूँ और मार्केट जाती हूँ क्योंकि आपको पता है आज गौरी का है बर्थडे, तो अगला व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना।
गौरी का बर्थडे बड़े धूमधाम से बनाने वाले हैं, कुछ स्पेशल सरप्राइज देने वाले हैं, वो तो आपको व्लॉग देखने के बाद ही पता लगेगा। और वीडियो में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे, तो सब्सक्राइब करना ऐसे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, जय माता दी।